Hey guys, what's up? This is Aman and you are here on the Aman Life Talks. जिस तरह की हम अपने हर वीडियो में आपको एक मिथोलॉजिकल स्टोरी बताते हैं, तो आज भी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जिसकी एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही मानी हुई स्टोरी है. आई एम गोइंग टू टेक यू टूडे टू शिवखोड़ी. शिवखोड़ी जो कि है 77 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा. अगर आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएँ तो शिवखोड़ी भगवान शिव की इस पावन गुफा के दर्शन भी ज़रूर करें. शिवखोड़ी के रास्ते में आप मनमोहक पहाड़ों के नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हैं. इस यात्रा में आपको 3.5 किलोमीटर का ट्रैक कर जाना होगा, जिसमें आप घोड़ों पालकी आदि की सुविधा ले सकते हैं. सुंदर झरने और नेचर आपको खुद से कनेक्टेड फील करवाएगा. शिवखोड़ी के लिए आपकी यात्रा शुरू होती है रनसू के इस प्यारे से गांव से. रनसू यानी जहां शिव और भस्मासुर के बीच में रण यानी कि युद्ध हुआ था, जिसके नाम पर इस जगह को रनसू कहते हैं. शिवखोड़ी का रास्ता और यहां का मैप आप यहां देख सकते हैं. हर हर शंभू, बस यही आवाज़ आपको पूरे रास्ते यात्रियों के मुख से निकलती हुई सुनाई देगी. और बस इसी तरह हम भी भोलेनाथ का नाम लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए. तो मैं जब भी कोई भी ऐसी जगह पर आता हूँ तो बारिश ज़रूर आती है, और अभी भी आप देख सकते हैं बारिश शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी. बट आई एम स्टिल एंजॉयिंग. हर हर महादेव. तो इस सुहावने से मौसम का मजा लेते हुए और भोले शंकर का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच गए भोले शंकर की पावन गुफा के पास. जय शिव शंकर भोलेनाथ. हाय गाइस, दिस इज अमन और आज मैं आया हूँ यहाँ शिवखोड़ी में. शिवखोड़ी में जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो गुफा का रास्ता है पीछे, और शिवखोड़ी के पीछे की कहानी ऐसी है कि जब शिवजी ने भस्मासुर को वरदान दिया कि वो जिस भी चीज़ पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगी, तो भस्मासुर ने उसी समय शिव पर हाथ रखने का सोचा, पर शिवजी समाधि में इस गुफा में शिवखोड़ी में चले गए. तो ये गुफा शिव के द्वारा स्वयं बनाई हुई है और इसी गुफा से अमरनाथ गुफा का रास्ता भी जाता है. तो उसी समय जब शिव यहाँ शिवखोड़ी में समाधि पर थे, विष्णु जी ने एक सुंदर नेत्रिका का रूप धारण करके भस्मासुर का अंत किया. तो
शिव भी जानते थे कि उन्हीं ने ये वरदान उस भस्मासुर को दिया है, तो अगर वो हाथ शिव पे ही रखता तो शिव जी भी भस्म हो जाते। तो इसलिए भस्मासुर शिव जी में ये रण, ये युद्ध चला, जिसकी वजह से जिस जगह पे ये युद्ध हुआ था उसको रणसू कहते हैं, और इसी रणसू जगह में ये शिवखोड़ी जगह है। शिवखोड़ी एक गुफा है जहाँ पे मान्यता है कि यहाँ शिव जी स्वयं विराजमान है। यहाँ पे उनके शेषनाग की प्रतिमा और पिंडी रूप में आप देख सकते हैं गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी और अन्य देवी देवताओं की भी पिंडी रूप में, शिला रूप में यहाँ पे उनका वास है। और शिव जी का ये जो स्थान है शिवखोड़ी, इसको माना जाता है कि यहाँ पे शिव का वास अभी भी है, और सच्चे दिल से जो भी यहाँ पे कुछ भी मांगता है तो वो पूरा होता है।